तो कन्वर्जन लॉ लागू होने के बाद 2020 में अब तक बरेली जोन के 9 जनपदों में 59 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन सभी मुकदमों में पुलिस ने ठोस कार्रवाई की है। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर अब तक 44 मामलों में चार्जशीट लगा दी है। इन सभी घटनाओं में शामिल 115 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाकी बचे हुए अभियुक्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एडीजी जोन बरेली राजकुमार ने बताया है कि बरेली जोन के सभी थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण कानून बनने के पश्चात 2020 के पश्चात अब तक पूरे बरेली जोन के 9 जनपदों में 59 मुकदमे कायम हुए हैं और इन सभी में पुलिस ने ठोस कार्रवाई की है, साक्ष्यों का संकलन करके और साक्ष्यों के आधार पर करीब 44 मामलों में हमने ऑलरेडी चार्जशीट लगा दी है। 115 अभियुक्त इसमें जो घटनाओं में शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। बाकी जो कुछ इक्का दुक्का बचे हुए हैं अभियोग, उनकी भी शीघ्रता से हम लोग कार्रवाई करा लेंगे। मुख्य रूप से धर्मांतरण जो जबरन करता है, चाहे शादी करने को लेकर या अन्य कारणों को लेकर के, वो कानूनन अपराध है उत्तर प्रदेश में। और जब से कानून बना है तब से हम लोग का पूरा प्रयास है पुलिस का कि ऐसे दृष्टांतों पर अंकुश लगना चाहिए और जो भी मामले संज्ञान में आते हैं उसमें तुरंत FIR दर्ज होती है और कड़ी कार्रवाई की जाती है। बरेली जोन के सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि ऐसी घटनाओं किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में कोई इस तरह की घटना करने की हिम्मत ना कर पाए। सबसे अधिक मुकदमे बरेली जनपद में है, उसके बाद पीलीभीत में और शाहजहाँपुर में है। करीब 10 से ज़्यादा मुकदमे इन जनपदों में हैं और बाकी अन्य जनपदों में भी मुकदमे कायम हुए हैं। ऐसे मामलों में चार्जशीट लगाने के पश्चात हम लोग पैरवी भी करते हैं न्यायालय में, जिससे कि समय से उसमें निर्णय हो जाए। और अभी अमरोहा जनपद में एक धर्मांतरण के मामले में एक सजा भी हम लोग की प्रभावी पैरवी की वजह से एक मामले में सजा भी माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। हमारे सहयोगी दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? कन्वर्जन लॉ के ऊपर यूपी सरकार सख्त होते हुए नजर आ रही है, साथ ही पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी सख्त होने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट दीपक आपकी तरफ से? दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। जी दीपक, मेरा सवाल आपसे ये है, कन्वर्जन लॉ के ऊपर यूपी सरकार सख्त होते हुए नजर आ रही है, मामलों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि 2020 के बाद जब से ये कानून, धर्मांतरण कानून आया है, तब से जो है इस मामले में पुलिस ने और सरकार ने जो है काफी सख्त रवैया अपनाया है, जिसमें अब तक बरेली के 9 जिलों से जो है, जो 9 जोन है बरेली के, उसमें अब तक 59 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों का संकलन करके अब तक 44 मुकदमों में जो है वो चार्जशीट दाखिल करी है और लगभग 115 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बाकी जो बचे खुचे मुकदमे रह गए हैं उसमें भी पुलिस काफी ठोस रवैया अपनाते हुए कार्रवाई कर रही है। और वही एडीजी जोन जो राजकुमार जी हैं, उनका कहना यह है कि इन धर्मांतरण के मामलों में बहुत ही सख्त रवैया अपनाया हुआ है, वो चाहे किसी भी प्रकार से हो रहा हो, चाहे शादी के मामले में हो रहा हो या किन्हीं और कारणों को लेकर हो रहा हो। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे और भी